सभी का अपने चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मानसून शुरू होने से पहले, रेनी सीजन शुरू होने से पहले हमें अपने गार्डन में क्या क्या काम करने हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है जो कि गार्डनिंग में नए हैं, और उनको पता चलेगा कि हमें ऐसे कौन से काम हैं जो बरसात शुरू होने से पहले करने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस काम की मैं बात करने जा रही हूँ वो है अपने गमले की पुरानी मिट्टी को धूप दिखाना। हम सभी जानते हैं कि मानसून शुरू होने ही वाला है, मुश्किल से एक महीने से भी कम समय अब रह गया है बारिश शुरू होने में। तो ये काम हमें धूप में ही करने हैं। अब जून के महीने में तो अच्छी खासी धूप अभी चल रही है, तो आप ये काम अभी से ही शुरू कर दें। तो जिन लोगों के गमले खाली हुए हैं या जिन्होंने जो अपनी गर्मियों की सब्जियां लगाई थी उन गमलों को खाली करना है, तो उसकी मिट्टी सबसे पहले आपको धूप में सुखानी है, क्योंकि धूप में सुखाने से जो कीटाणु होते हैं उसमें, हानिकारक कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। और मिट्टी को हमें पूरा नहीं सुखाना है, 80% हमें मिट्टी को सुखाना है। और सुखाने के बाद में हमें उसमें जो है कम से कम 20% कोई भी कंपोस्ट मिलानी है। आप वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग हो, या आपके किचन वेस्ट से तैयार कंपोस्ट हो, वो मिला सकते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाए। पुरानी मिट्टी में क्योंकि हमने जो अपनी सब्जियां या कोई भी प्लांट लगाया था तो उसकी जो उपजाऊपन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको और न्यूट्रिएंट देने के लिए हमें उसमें कंपोस्ट मिलानी पड़ेगी। और थोड़ी सी हम एक मुट्ठी के हिसाब से, अगर गमला छोटा है तो उसमें नीम खली मिलाएंगे, थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर, आप उसमें ट्राइकोडर्मा या साफ पाउडर जो आता है वो ले सकते हैं, ये सब ऑर्गेनिक होता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। आधी चम्मच आप हल्दी पाउडर जो है एक गमले के हिसाब से आप मिला सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी मिट्टी जो तैयार होगी वो जो है प्लांट्स के लिए उपयोगी होगी, आपके प्लांट्स उसमें अच्छे से चलेंगे। तो आप मिट्टी को तैयार करके या तो गमले में भरकर रख दीजिएगा, अदरवाइज आप उनको किसी कंटेनर में या किसी कट्टे में भरकर रख दीजिएगा अपने नेक्स्ट सीजन के लिए, बरसात के लिए, क्योंकि बरसात में आपको इतनी धूप नहीं मिलने वाली है, तो आपको अभी से ये काम करना है। देखिए, मेरी भी मिट्टी जो है जगह जगह सूख रही है, मैं भी अपनी मिट्टी को इस तरीके से सुखा रही हूँ। इस तरीके से मिट्टी जब सूख जाती है तो हम उसको तैयार करके रख देंगे, तो हमें आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड काम जो है वो ये है कि सभी लोग, जो लोग कंपोस्ट बनाते हैं उनका कंपोस्ट तैयार हो रहा है, तो उसमें थोड़ा गीलापन है इस तरीके से, तो आप उसको भी अभी धूप में दिखा सकते हैं। दो चार दिन की धूप में ये तैयार हो जाएगा। मेरा कंपोस्ट लगभग तैयार है, बस एक आध दिन की धूप लगेगी इसको, इसको मैं फैला दूंगी और उसके बाद में इसको मैं किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लूंगी, फिर जब मुझे ज़रूरत होगा तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ अपने गमलों में। और इसके अलावा अगर आप बरसात में कंपोस्ट ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बरसात में एक तो बदबू बहुत आती है, उसमें टाइम बहुत लगता है, और तीसरा उसमें कीड़े बनने का भी ज़्यादा रहता है। तो आप उसकी जगह ये कर सकते हैं कि जो भी आपके किचन वेस्ट का मटेरियल होता है, सब्जियों के छिलके, प्याज के, आलू के, आप उनको इस समय धूप में सुखा सकते हैं। इस समय अच्छी धूप है, वो अच्छे से सूख जाएंगे। आप उनको या तो क्रश करके ऐसे ही रख दीजिए, या एक चक्कर आप मिक्सी में लगा करके उसका पाउडर बना लीजिए और उसको स्टोर करके रख लीजिए। रेनी सीजन में आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर से ही आपको अच्छा कंपोस्ट मिल जाएगा। और इस तरीके की जो कंपोस्ट होती है उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पेड़ों के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो आप इस तरीके से घर पर ये कंपोस्ट बनाइएगा, अपने किचन वेस्ट को वेस्ट ना करिए। अगला काम जो है वो ये है अपना ड्रेनेज होल। आप अपने गमलों का ड्रेनेज होल चेक करिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। अब आपकी टेरेस पर जिन लोगों ने प्लांट्स रखे हुए हैं तो इतना तो हम नहीं कर सकते कि सारे गमलों को हम सेफ जगह पर रखें, तो हमें क्या करना होगा कि उनका ड्रेनेज सिस्टम देखना होगा कि पानी उसमें रुकता तो नहीं है।
अगर उसमें पानी रुकता है तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि किसी गमले में पानी डालकर देखेंगे, 15 से 20 मिनट में यदि पानी ड्रेन हो जाता है, बाहर निकलने लगता है, तो आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। अदरवाइज आपको उसको मिट्टी निकाल कर ठीक करना होगा। और यदि खाली गमले हैं उनको भी आप धूप में सुखाइए, और किसी पेचकस की होल से ये जो इसका ड्रेनेज होल जो होता है इसको भी आप खोल लीजिएगा ठीक से। गमलों को भी अच्छी धूप मिल जाएगी और आपके ड्रेनेज जो है होल ठीक से खुल जाएगा। तो तीन काम आपके ये हो गए। नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि अगर आपके गमले जो हैं कमज़ोर प्लांट्स हैं, क्योंकि आंधी वगैरह जो है ज़्यादा आती है हमारे यहाँ इधर मई जून में, तो कमज़ोर प्लांट्स को सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि आंधी के उससे हमारे प्लांट्स गिर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो सपोर्ट हम किसी स्टिक की हेल्प से देंगे, जैसे कि ये सनफ्लावर है, थोड़ा सा वीक प्लांट होता है ये, तो इसमें हम इस तरीके से स्टिक लगा करके इसको किसी धागे की हेल्प से ऐसे बांध देंगे तो हमारा प्लांट जो है आंधी और तूफान से बचा रहेगा और एक जगह पर स्थिर रहेगा। हमें इसको इस तरीके से अपने प्लांट्स को बचाना है। तो और भी आपके कोई प्लांट्स हों जिनको सपोर्ट्स की ज़रूरत है तो आप उनको भी बचा कर रखिएगा, और ये काम आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। एक लास्ट काम और है दोस्तों, वो ये कि आपके गार्डन में जब आप सफाई करते हैं तो यदि कोई वेस्ट मटेरियल जैसे सूखी पत्तियाँ या टहनी वगैरह निकलती हैं तो उनको आप फेंकिएगा नहीं, उनको भी आप इकट्ठा कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने भी इकट्ठी करी हुई हैं, जब भी सफाई करती हूँ गार्डन की तो ये पत्तियाँ मैं सब इकट्ठी कर लेती हूँ। अब तो ये बिल्कुल सूख गई हैं, आप अभी भी कर सकते हैं, कुछ दिन आपके पास हैं अभी, और इस तरीके से ये पत्तियाँ इकट्ठी कर लीजिएगा। ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली हैं। एक तो ये कंपोस्ट बनाने में काम आती हैं, दूसरा हम इन पत्तियों से भी खाद बना सकते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो कि हमें मानसून शुरू होने से पहले करने हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आप अभी से ये काम शुरू करिएगा और अपनी गार्डनिंग को अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनी गार्डनिंग अच्छे से करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू।